चुकी हूँ मैं, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी। हाँ मत रहते, चली जा। चली जाऊंगी तो घर की धमकी देवे, तेरा बाप तेरी इज्जत नहीं करता, तेरी माँ करती, तेरा भैया तुझे पूछता। क्यों मेरे घर जाके देखा है कि मेरे घर कौन मेरी इज्जत करता है, कोई नहीं करता। तुझे ना पूछता तेरे घर में कोई भी, तुझे कभी फोन तो करता ही ना। इस घर में मेरी इज्जत नहीं, उस घर में मेरी इज्जत है, तुम्हें क्या पता। तेरी राजी खुशी कोई लेता ना, जब तक महीना पड़ रहा तू चली जा। अरे मुझे तेरी जरूरत ना। फोन कर रही हूँ अपने पापा को अभी के अभी। तेरे पापा तेरे फोन उठा रही ना। अच्छा तुम्हें बहुत पता है मेरे घर में मेरी कितनी इज्जत है, और तुम्हारी, तुम अपने घर में देख लो तुम्हारी कितनी इज्जत है। हाँ हाँ बुला ले अपने बाप को, जो मेरा करवाना करवा लिए, अब तू मेरा माता खराब मत करे। आज फैसला हो ही जाए। हाँ देख लेंगे तेरे फैसले को भी। हाँ हाँ ठीक है। कौन सा तीर मारेगी तू, फैसला हो जावे। अरे कम से कम गेट बंद करके लड़ लिया करो, मोहल्ले को जताना चाह रहे हो थारे घर में तांडव हो रहा है, ऐसी चलेगी थारी घर की गृहस्थी। पापा बैठ बैठ पापा। बस बैठा हूं मैं। वो पापा, पापा आप बताइए पापा। अरे मैं तो जब आया आया, पर तू एक काम कर अपनी गर्मी थोड़ी सी कम कर ले, तुझे पता है आजकल ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पापा मैं यही तो समझा रही हूँ कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, परंतु पता नहीं अपने आप को ये क्या समझते हैं। पापा अब आप आराम करो, मैं आपके लिए पानी लाती। देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी, एक तू है रात दिन गुस्सा करता रहता है, और अब भी कह रहा हूँ अब तू भी छोड़ दे। पापा मैं क्या छोड़ दूँ, मैं तो कुछ पीता ही नहीं खाता ही नहीं। अरे बेटा मैं पीने खाने की बात नहीं कर रहा, औरतों से बहस करना छोड़ दे वरना बुढ़ापे में बहुत पछताएगा, समझा। हमारी जिंदगी बीत गई, हमने हर तजुर्बा झेला है। देख बेटा जो कुछ मुझे समझाना था मैंने तुझे समझा दिया, आगे तेरी इच्छा है जैसा करेगा अच्छा या बुरा अपने लिए करेगा। चल बेटा अब दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। पापा ये छोटी मोटी लड़ाई घर में चलती रहे, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो, और मुझे ऑफिस जाऊंगा मुझे रोटी कौन देगा, मैं गलती मानता हूँ मेरी गलती हुई है। कहाँ जा रही हूँ पापा, को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उनके दर्द है पेट में। हॉस्पिटल लेके जा रही है, क्या हुआ पापा को। अरे बेटा मेरे पेट में पथरी हो गई है इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इसलिए पूजा मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही है, आ जाएगी आप पूजा। बस पापा इतनी सी बात, भला मुझसे बढ़िया पथरी की दवाई कौन दे सके, मैं तुम्हारा अभी इंतजाम करता हूँ। आप पथरी की दवाई जानते हो, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं, चलो अब पापा का पहले इलाज करो। पापा बस मैं अभी गया और अभी आया। पर बेटा तू जाएगा कहाँ, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लाएगा जिससे तू इलाज करेगा। पापा उपवास में बियर की दुकान है ना, मैं अभी लेकर आया, और देखो पथरी कैसे निकलेगी, चट्रोल ही भर लियो पथरी की। पापा इतना आप थोड़ा सा आराम करो, और मैं बस अभी आया जल्दी में। बेटा ऐसा करिए एक तो बियर चिंटू ले आना, एक दूसरा काम क्या चला कि पथरी का संपूर्ण इलाज आज ही करना है, पेट की उठा गई ठीक है, आज रात को मैं भी यही ठीक है। क्या बात होती है, आप भी। अरे बेटा वो मेरा इलाज कर रहा है, हैं? इतना बढ़िया दामाद है, और कभी कभार तो थोड़ा बहुत पी लेनी चाहिए, हैं? तू भी ज्यादा गुस्सा मत करेगा। अच्छा अब वो बढ़िया हो गया और बेटी खराब हो गई। अरे बेटा जब वो इतनी मेहनत कर रहा है मेरे इलाज के लिए, अब तू भी थोड़ी मेहनत कर ले, रसोई में जा टमाटर खीरे और थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह ये ले आ जा, जा। ठीक है पापा। बिटिया हो तो ऐसी समझदार है मेरी बिटिया। इलाज का इलाज हो जाएगा और दो चार रात बढ़िया कट जाएगी एसी में, अब हर तो बच्चों में रहना पड़े, रिश्तेदारी घूम लो तो ऐसी घूम लो जहाँ सुकून मिले, दो पैसे फालतू बेचक लग जाओ।